हेलो एवरीवन, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का वीडियो ईवीएस वर्कशीट होने जा रही है नर्सरी बच्चों के लिए। ईवीएस में नर्सरी बच्चों को ज़्यादातर ओरल ही करवाया जाता है और ईवीएस में इस तरीके की वर्कशीट बनाई जाती है जिसे बच्चा इजीली ही कर ले। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके की वर्कशीट तैयार की है मैंने। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्कल द हॉट ऑब्जेक्ट एंड टिक द कोल्ड ऑब्जेक्ट। बच्चा इसमें आइडेंटिफाई करेगा कि हॉट कौन सा है और कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन सी है। तो देखिए, पहला है आइस क्यूब बनाई है, तो आइस क्यूब कोल्ड है, कोल्ड है तो इसे टिक करेंगे। टी है, टी गर्म है, हॉट है, तो इसे हम क्या करेंगे, सर्कल। फायर है, फायर को सर्कल। आइसक्रीम कोल्ड होती है तो इसे टिक। सन हॉट होता है, हमें गर्मी देता है, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्कल। और ये एक कैंडल बनाई है, इससे क्या है, हमें गर्मी मिलती है, हॉट होता है, तो क्या इसे हम क्या करेंगे, सर्कल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का तैयार किया है। राइट एफ फॉर फ्रूट एंड वी फॉर वेजिटेबल। बच्चा फिगर देखेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, जो फ्रूट है उसमें बॉक्स में एफ लिखेगा और जो वेजिटेबल है उसमें वी लिखेगा। तो पहले मैंने ऑरेंज बनाया है, ये एक फ्रूट है, तो बच्चा यहाँ पर एफ लिखेगा। बनाना है, ये फ्रूट है, एफ लिखेगा। ब्रिंजल है, वेजिटेबल है तो वी। एप्पल है, फ्रूट है, एफ। कैरेट है, वेजिटेबल है, वी। ग्रेप्स एफ। टमाटो वी। नेक्स्ट कलर मैचिंग। बच्चा क्या है, इस हम बच्चों को कलर मैचिंग सिखाते हैं, कलर आइडेंटिफाई करना हम सिखाते हैं, ओरली कलर्स नेम भी सिखाते हैं। तो देखिए टमाटो देख बना रखा है मैंने, तो टमाटो रेड है, तो बच्चा रेड से उसको मैच करेगा, कलर आइडेंटिफाई बच्चा इजीली कर लेता है। तो क्या है, रेड को रेड से। देखो मैंगो है, मैंगो येलो कलर का है, बच्चा येलो कलर देखेगा और उसे मैचिंग करेगा। ग्रीन, ग्रेप्स ग्रीन। फिश ब्लू कलर की बनाई है। और ये क्या है, एक बर्ड बनाई है मैंने ब्लैक कलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर द बिग एंड टिक द स्मॉल। बच्चे को स्मॉल एंड बिग कॉन्सेप्ट भी कराया जाता है नर्सरी में। तो क्या लिखा है मैंने, कलर द बिग, जो बिग है उसको बच्चा कलर करेगा और जो स्मॉल है उसे टिक करेगा। तो देखिए इनमें से बिग कौन सा है, दिस वन। तो बच्चा क्या है, इसमें कलर भरेगा और उसको बताना है, एप्पल रेड कलर का होता है तो बच्चा इसमें रेड कलर करेगा, लीफ में ग्रीन कलर करेगा और जो स्मॉल है उसमें टिक करेगा। से बच्चा स्मॉल एंड बिग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ लाइंस बिटवीन द पिक्चर दैट बेस्ट टुगेदर। आगे देखिए मैंने हैंड, हम सेंस ऑर्गन भी बच्चों को पढ़ाते हैं, स्किन, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, स्किन, नोज, टंग, ईयर एंड आईज। तो बच्चे को हम बताते हैं कि हम नोज से स्मेल करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से हम उनको मैचिंग दे सकते हैं। जैसे कि आई से हम क्या करते हैं, देखते हैं, हैंड से हम टच करते हैं। तो किसी भी मैंने टॉय ले लिया, कोई मैंने यहाँ पे कैट बनाई है, तो उसको क्या है, बच्चा टच कर सकता है, बच्चों को क्लियर करवाना है। नोज से हम स्मेल कर सकते हैं, टंग, ईयर एंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कलर द रेनबो यूजिंग 7 कलर। मैंने एक रेनबो बनाया है और यहाँ पर मैंने कलर लिखे हैं कि फर्स्ट में आपने रेड करना है, सेकंड में ऑरेंज, थर्ड में येलो, फोर्थ में ग्रीन, स्काई ब्लू, पर्पल एंड पिंक। और मैंने इधर भी नंबरिंग करी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बच्चा क्या है, देखेगा फर्स्ट पे हमें रेड करना है तो बच्चा यहाँ पर रेड कलर करेगा, ऑरेंज करना है सेकंड में ऑरेंज, थर्ड में येलो, फोर्थ में ग्रीन, फिफ्थ में स्काई ब्लू, सिक्स पर्पल, सेवन्थ पिंक। बच्चा इसमें कलर करेगा और
कलर आइडेंटिफाई भी बच्चे को इजीली आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है हम, तो इस तरीके के क्वेश्चन नर्सरी के बच्चों को कराए जा सकते हैं। इस तरीके के हम और भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम बच्चों को ओरली क्लियर करवाते हैं, जैसे फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम और सेंस ऑर्गन। इस तरीके के हम बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं, रिलेटेड जो भी आप कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाते हैं उससे मैचिंग, टिक करना, कलर करना, इस तरह के क्वेश्चन हम बच्चे को तैयार कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।